7 और 15 सेकंड में आप हमारे रेडार से बाहर जाएंगे। आगे आप क्रिस्टल कंट्रोल टावर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओवर। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मैं टच में रहूंगा। ओवर। बेस्ट ऑफ लक 147। ओवर एंड आउट। मुझे डॉक्टर लियोन से मिलना है, इमरजेंसी वार्ड में है।
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी, वैसे उस आदमी को हुआ क्या है? जी, आपका परिचय? मैं लॉरेन मर्सी हूँ और मैं यहाँ डॉक्टर लियोन से मिलने आई हूँ। मैं ही डॉक्टर लियोन हूँ। ओह हेलो। ये मेरी असिस्टेंट सुजैन गैब्रियल। वो आदिवासी एक अजीब से नेक्रोटिक पैरालिसिस का शिकार हुआ है, अभी तक हम उसे ठीक नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर, सॉरी देर हो गई। लेव, आप मर्सी है ना? मैं लेव वैलेंटाइन हूँ। आखिर हम मिली गए। यानी आप लोगों को सिलिबारेंस ले जाने के लिए एक पायलट चाहिए? जी हाँ। वो इलाका बड़ा खतरनाक है, आपको मालूम है ना? वैसे दुनिया में ऐसी एक जगह बताइए जहाँ खतरा ना हो। दरअसल मुझे तो लैंडिंग की फिक्र है। सेकंड वर्ल्ड वार में जापानीज ने वहाँ एक रनवे बनाया था, पर बरसों से उस पर कोई प्लेन नहीं उतरा होगा, और वो बहुत अंदर भी है। तो वो आदमी वहाँ से बाहर कैसे आया? बोट से। क्या आप प्लेन को समुद्री किनारे पर उतार पाएंगे? वो तो मैं करूंगी, लेकिन आप डर जाएंगे। हम डरेंगे? नो, बिल्कुल नहीं। वैसे आप लोग वहाँ पर किस किस्म के एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? मेडिकल। उस मरीज को यहाँ लाने वाले कह रहे थे कि टोबॉय के आदिवासी कबीले के बहुत से लोग मर रहे हैं। टोबॉय? ये वही ट्राइबल है। और मेडिकल रिसर्च के साथ साथ इस बीमारी को फैलाने वाले वायरस कहाँ और किस हालात में पैदा होते हैं, ये भी हम लोगों को जानना है। मतलब हमें ये पता लगाना है कि इसे किसने डसा है। उसे डसा है? हाँ डसा है। मकड़ी जैसा कुछ। ये आदिवासी खुद यकीन से कह नहीं पा रहे हैं। आप नहीं आएंगे? नहीं, सामान समेत एयरपोर्ट आ जाइए, सुबह ठीक 8 बजे टेक ऑफ करेंगे। एक्सेलेंट। हेलो, तुमने कुछ खो दिया है क्या? मुझे यहाँ से एक अनोखी किस्म की मकड़ी मिली। वो जहरीली हो सकती है, उसे नीचे फेंक दो। अरे सभी मकड़ियों में जहर होते हैं, बताता हूँ। सुनो, आमतौर पर अरखनीड अपने शिकार पर न्यूक्रोटिक फैक्टर या न्यूरोटॉक्सिन जैसे जहरीले एसिड बरसाती है, जिससे उसके शिकार के शरीर के मांस द्रव बन जाते हैं। उसके बाद उसे चूस कर अपना पेट भरती है। और आज के लिए इतनी जानकारी काफी है, उसे नीचे फेंक दो। ये मेरी किताब है अर्कनेट पर। हेनरी कैप्री। आप रख लीजिए। मुझे मकड़ी से नफरत है। सभी नफरत करते हैं, वो इसलिए कि हम इन्हें सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और इनसे डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत मासूम है। तुम वाकई इन्हें चाहते हो? मैं इन्हें प्यार करता हूँ। और मैं कुचल देती हूँ। हमें जो चाहिए इन्हें भी वही चाहिए, रोटी, मकान और वंश बढ़ाने के लिए जीवन साथी। हेलो मर्सी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो आप डॉक्टर कैप्री से मिल चुकी हैं? हाँ, कुछ ज्यादा ही। एक एक्सपर्ट के हिस्से से वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। ये देखिए डॉक्टर लियोन। मकड़ी मत दिखाओ कैप्री। I'm sorry, वो मकड़ी मेरे प्लेन में हरगिज सफर नहीं करेगी। इससे आपको कोई नुकसान नहीं। प्लीज कैप्री, फेंक दो ना। आपके मरीज का क्या हाल है डॉक्टर लियोन? वो आज सुबह मर गए, हम उसे बचा नहीं पाए। उसके शरीर का मांस पिघल कर बाहर निकल गया डॉक्टर। थैंक्स। हाँ, मैंने उसका टिश्यू सैंपल सीडीसी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को भेजा है। हेलो डॉक्टर्स, मर्सी, मेरे साथियों से मिलिए। बेयर फेब्रुअरीज। नाइस टू मीट यू। हमारा वाहन? वो देखिए तैयार है। ओ, तो वो है। ओके बेयर, सामान लोड करो। एक बात पूछो, एक मामूली मेडिकल मिशन के लिए इतने सारे हथियार क्यों, जिससे एक पलटन को खत्म किया जा सकता है? कोई खास वजह नहीं, जितने ज्यादा हथियार उतने ही सुरक्षित। जानता हूँ कि ये खतरनाक भी है और इनमें अलग अलग वायरस भी होते हैं, फिर भी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि इंसान के गोश्त खाने जैसा वायरस इनमें है।
वैसे लोग अफ्रीकी जंगलों में शेर और हाथी देखने जाते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम होगा मैंने किताब लिखने से 2 साल पहले उन जंगलों में मकड़ियाँ प्लेन अच्छा है द्वारा बनाए गए। क्या? मैंने कहा प्लेन अच्छा है। मैं वाइपर प्लेन चलाया करता था और मेरे डैड के पास फॉकर फ्रेंडशिप था। आप मेराइंस में पायलट थे ना? आपको कैसे पता चला? आपके पूरे चेहरे पर लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म हो या ना हो, हम फौजी ऐसे ही है। एक कहा। तो इस मिशन में इन्हें आप खुद क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि इस इलाके को आप बेहतर जानती हैं और आप एक बेहतरीन पायलट भी हैं। हम पहले कभी नहीं मिले, उसके बावजूद आपको मुझ पर इतना भरोसा। आप 8 महीने पहले तक नेवी की एक फाइटर पायलट थी, अब वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर यहाँ साउथ पैसिफिक में चार्टर करती हैं। मैंने आपके बारे में जानकारी हासिल की है, आपने रिजाइन क्यों किया? समझ लीजिए मैं कुछ खोज रही हूँ। हाँ, हम सभी खोजते रहते हैं। देखो मुझे यारी दोस्ती रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा काम सिर्फ प्रोफेशनल है। क्या? सॉरी मैंने खुलकर कह दिया, बुरा मत मानना। मर्सी तुम भी कमाल की लड़की हो। हाँ कमाल की हूँ, इसीलिए तो तुम जैसों से अभी तक बची हुई हो। वहाँ पे दो लड़कियाँ थी बिना कपड़े पहने। सचमुच? मुझे वहीं पर बोलना था ना। देख लो तुम्हारा टापू आ गया। प्लेन को घुमा के देखती हूँ कि लैंडिंग स्ट्रिप है भी या नहीं। पावर सप्लाई बंद कैसे हो गई? नहीं जानती, बस बंद हो गई। फिर से कोशिश करो। साफ नहीं हो रही, सब लोग सावधान रहो। हाइड्रोलिक्स का लीवर दबाओ। मैं दबाऊं? हाँ। ओके, इंजन पंप का प्रेशर 10% बढ़ाओ और हर 5 सेकंड के बाद बढ़ाते रहो। ओके, सब सावधान रहो, शायद हम क्रैश लैंडिंग करें। प्रेशर 10% बढ़ गया। ठीक है मैं उतार रही हूँ। प्रेशर 20%। तुम्हें प्रे करने की आदत है? कभी कभी। 30%। अब 40%। सब लोग संभाल के रहो। अच्छा चलाती हो मर्सी। अरे अच्छा करते हो। दिस इज अल्फा 6, दिस इज अल्फा 6, कम इन प्लेस। दिस इज अल्फा 6, दिस इज अल्फा 6, आई रिपीट, दिस इज अल्फा 6, दिस इज अल्फा 6, कैन यू हियर मी, कम इन प्लीज। ओवर। तो उस इंजन का क्या हाल है मर्सी? ताज्जुब है, इंजन में कोई खराबी नहीं है। तो फिर पावर किस वजह से फेल हुआ? पता नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ से निकलना मुश्किल है। वो तो मैं समझ गया। बेर अभी रेडियो सिस्टम ट्राई कर रहा था, उसका भी पावर सप्लाई बंद है। ऐसा लगता है यहाँ के वातावरण में कुछ अनजान मैग्नेटिक रुकावट है। भगवान का शुक्र है हम सब जिंदा हैं। प्लेन को भगवान नहीं चला रहा था सुसी, मैं चला रही थी। हमारा ये मिशन तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है मिस मर्सी। तुम मेरे साथी के साथ और तमीज से पेश आओ तो बेहतर होगा। ओके। मिस्टर वैलेंटाइन, यहाँ का काम पूरा होते ही हम एक मीटिंग करेंगे और इस दुर्घटना के बाद आगे क्या करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके।
रेस, तुमने कैपरी को देखा? जी नहीं देखा। वो कहाँ है देखो। ओके। जंगल जाने से पहले कीड़े मकोड़ों को दूर करने वाला तेल जरूर लगा लेना, वो बड़े खतरनाक है। अच्छा? हाँ। मेरे बदन को काट सके ऐसे कोई कीड़े मकोड़े दुनिया में नहीं है। अगर किसी कीड़े ने काट भी लिया तो नुकसान उसी का होगा, समझी? जंगली कहीं का। डॉक्टर कैपरी, नहीं गोली मत मारो, गोली मत मारो। क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं, हम आ रहे हैं। हे डॉक्टर, क्या था वहां पे? अब कैसे पता चलेगा? कम ऑन डॉक्टर, कम ऑन। छोड़ो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अच्छा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो। अरे मुझे मेरा सामान तो लेने दो। जाओ। वो संभाल के। तू चिल्लागा, लाका नगीना नगीना। ओके। मेरा मशवरा ये है कि हम यहीं रहकर रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मर्सी ने प्लेन को चेक किया है, वो कहती है कि इंजन बिल्कुल ठीक है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कल टेक ऑफ करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तक उस प्लेन ने या मर्सी ने हमारा साथ नहीं दिया तो किस्मत कहां से साथ देगी? अच्छा, प्लेन के बिना हमारा यहां से निकलना भी? नो, एक्सक्यूज मी, हम यहां आए हैं यहां के पीड़ित लोगों का इलाज करने और ये जानने के लिए कि ये लोग क्यों मर रहे हैं, और ये काम हर हाल में करेंगे। आदिवासी के कबीले में पहुंचने के बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आपका ये आइडिया मुझे जचा नहीं डॉक्टर। मिस्टर वैलेंटाइन, जहां तक मैं समझता हूँ इस मिशन का इंचार्ज मैं हूँ, और मैं समझता हूँ जंगल के अंदर किस्मत आजमाना बेहतर है। हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद हो गया, इंक्लूडिंग प्लेन। मैं तो कॉकपिट में था, अगर हम जिंदा हैं तो मर्सी की वजह से। हम सुबह होते ही यहां से निकल चलेंगे। बेर पहरेदारी तुम करोगे। चार घंटे बाद रेस, तुम्हारी बारी। ओके? यस सर। चुछ तो, कभी ना, कभी ना। वो लिक्विड नाइट्रोजन है मिस्टर रेस, अगर गलती से तुमने उसे पी ली तो अंदरूनी अंग बर्फ से जम जाएंगे और भीतर ही भीतर उस गैस का विकास होगा, जिसकी वजह से तुम गुब्बारे की तरह फूल जाओगे और फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। सुनो, ये तुम्हें कहां से मिला? जवाब दो, कहां से मिला ये तुम्हें? सासा ओकू, किसी टापू से? सासा ओकू। मर्सी, क्या है? फिर से एक बार सोच लो, कल हमारे साथ चलो, यहां अकेले रहना ठीक नहीं होगा। मुझे बख्श दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। ओके।
वैसे मैंने सोच लिया, मैं अभी चल रही हूँ। गुड, तो सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। This is Alpha 6, this is Alpha 6, I repeat, come and play, this is Alpha 6, this is Bear, Alpha 6, कुछ हुआ? Repeat. कुछ नहीं सर। इसको I repeat, this पता नहीं डॉक्टर लिया, हम जिस काम से यहाँ आए हैं, काम खत्म होने के बाद ही यहाँ से जा सकते हैं। सुनो मासी, लियोन ने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत माना, वो कुछ ज्यादा ही परेशान है। ये जो सूसी है वो आखिर क्या बना है? वो लियोन की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी, फिर उनकी असिस्टेंट बन गई। अच्छा, पता नहीं वो इस जंगल में कैसे रहेगी। सच तो ये है मिस मर्सी, मैंने ब्राजील के जंगलों में 3 साल रहकर लेवल 3 के वायरस के बारे में रिसर्च किया है। इबॉक वायरस का रिसर्च किया है मैंने अफ्रीका के जंगलों में। वही मैं डॉक्टर लियोन से मिली। मैं इन जंगलों में सिर्फ एक चाकू से भी गुजारा कर सकती हूँ, कोई भी गन दे दो निशाना लगा सकती हूँ। टाइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट लिया है मैंने। बहुत खूब, मैं तो सिर्फ प्लेन चलाती हूँ। अफसोस वो भी ठीक से नहीं। और कुछ? हाँ, जो कुछ भी मिलता है उससे स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ, और तुम्हारे नाक के चारों ओर जो दाग है उसे मिटाने के लिए दवा भी दे सकती हूँ। ओह, क्या बायोडाटा है। ओके, कम ऑन, अपनी अपनी चीजें ले लो, लेट्स गो। इस वहां से पीछा हटो। इन कीड़ों से मैं तंग आ गया। रेस, क्या हुआ? दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। इन्हें मैं निकालता हूं। रुको, ये कृमि है, अगर उन्हें ठीक से नहीं निकालोगे तो उनके जहरीले टुकड़े चमड़े के अंदर ही रहेंगे और न्यूरोटॉक्सिन खून में मिलेगा। डॉक्टर, इन्हें निकालो फौरन। कृमि को दूर रखने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करना था। ओह माय गॉड, वो देखो। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। लगता है ये कोई नए किस्म की कृमि है। अगर अपनी बकवास बंद करके इन्हें नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रुको रईस, पिस्तौल नीचे करो। सुनो दोस्त, ये क्या कर रहे हो? ठंडे दिमाग से काम। पिस्तौल हटाओ, मेरी बात मानो। अरे यार, मैं कह रहा हूँ ना, पिस्तौल नीचे करो, पिस्तौल नीचे करो। अरे करो यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ है ना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं उन्हें निकालती हूँ, कम ऑन। सॉरी, आ जाओ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ए सुसन, बी केयरफुल, हमें इस कृमि का एक सैंपल रखना पड़ेगा। कमबख्त। आप ठीक हैं डॉक्टर? या आई एम फाइन, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सब लोग सुनो, हम थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, अपना अपना सामान उतारो और आराम करो। मर्सी, बेर, बीच बीच में रेडियो ट्राई करते रहना। यस सर। सुसन, पानी जरा सोच समझ के खर्च करना। मुझे घाव की सफाई करनी है। ठीक है, मगर कम से कम इस्तेमाल करना। मर्सी, मर्सी तुम कहाँ हो? मर्सी, मर्सी, यहाँ जहरीले कीड़े होंगे, इसलिए बी केयरफुल। ज्यादा रखवाली करने की जरूरत नहीं, मैं पहले भी जंगलों में रह चुकी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मर्सी, तुम ठीक हो? हाँ, फंस गई।
ये कोई मजाक नहीं। हाँ, जानता हूँ। चलो मैं निकल। Come on. God. सराई देखो। क्या है? ये उस गड्ढे के अंदर था। मुझे लगता है अंदर कुछ है। हो सकता है सोना चांदी हो उसमें। क्या हुआ? अब मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। मुझे बाहर निकालो। मुझे फौरन बाहर निकालो। ठीक हो? हाँ, थोड़ा बहुत। शिट, चिपक गया। चिपक गया। ओके। मकड़ी की लार से चिपक गया है। तुम्हारे शू तो अंदर ही रह गए। हाँ। अरे नहीं रहने दो। जंगल के अंदर बिना जूतों के चलना मुश्किल है। ये किसने किया होगा? जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। इसे कस के पकड़ो, मुझे इसे नींद के इंजेक्शन देने हैं। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आराम से दोस्त, आराम से। इसे आखिर क्या हो रहा है? हो गया, बस हो गया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुसन, इसे हुआ क्या है? हम इन कीड़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, छूते ही वो और अंदर चले जा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कीड़े इस तरह नहीं घूमते। ओके, रेस की हालत खराब हो रही है, उन कीड़ों को बाहर निकालने की कोशिश करो। ये ठीक हो जाएगा ना? हाँ। इमरजेंसी ऑपरेशन करने से बात और भी बिगड़ सकती है, और इन्हें दबा के निकालने की कोशिश करेंगे तो बदन के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान भी पहुंच सकता है। मेरी मानो तो इन्हें अंदर ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से शायद ये कीड़े मर भी जाएं। वो कैसे मरेंगे? इनके खून में जो ऑक्सीजन है वो उन्हें मिल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम ऑन कैपरे, हमारे बीच तुम ही एक एक्सपर्ट हो, अपनी राय क्यों नहीं बताते? मैं क्या जानूं, मैंने इस तरह का कुछ ना पहले कभी देखा है ना पहले कभी सुना है। मुझे नहीं पता। डॉक्टर कैप्रे, किसी से अच्छे ढंग से कैसे काम लेना चाहिए आप बिल्कुल नहीं जानते। डॉक्टर देखिए, वो बिगड़ कर चले गए। फिलहाल ये शांत हो गया है। सब लोग अपने अपने बदन पर स्प्रे करो, बेर उस पर भी लगाओ। अब ये कैप्रे कहां मर गया? वो आदमी तो हम पर बोझ बन गया है। मैं बुला लाती हूँ।
तुम ठीक हो ना? कभी कभी मेरे सवालों का जवाब ही नहीं मिलता। दुनिया में हर सवाल का जवाब नहीं होता। वो कीड़े मेरे लिए एक पहेली है। इस जंगल में जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ जानती हूँ, कृमियों के बारे में मैं तुम्हारी किताब पढ़ रही हूँ। आजकल मेरे पास और काम भी क्या है। मैं स्प्रे कर देती हूँ ताकि कीड़े दूर रहे। चेहरा कवर करो। जानते हो, जब पहली बार मैं F-14 प्लेन में सोलो सॉटिंग कर रही थी तो मैं भी डरी हुई थी। लैंडिंग के वक्त मैं क्रैश होने ही वाली थी और वो लोग मुझे फ्लाइंग से रोकना चाहते थे, फिर भी मैं फ्लाई करती हूँ। कम ऑन, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ तुम्हें। क्या ख्याल है तुम्हारा, किसी मकड़ी का जाल है? दिखने में तो ऐसा ही लगता है। पागल हो गए हो, इतनी बड़ी मकड़ी कैसे हो सकती है? मानता हूं इस गड्ढे की साइज की मकड़ी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके वजन की वजह से गिरकर उसके अंग दब जाएंगे। इसकी एक और वजह हो सकती है। जैसे कि ये सारे टापू जापानीज के हाथों में थे, उन लोगों ने सब जगह टनल्स खोदे थे और शायद ये भी वैसा ही एक टनल हो जिसमें मकड़ियों ने जाल बनाया है। ये वाकई कुछ समझदारी की बात है। तो वो क्या था जिसने मेरी जूती को खींचा? ये क्या है कैपरी? ये आमतौर पर गुफाओं में रहते हैं। इस नस्ल को अगन पफनस कहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं ये रोशनी में नहीं रहते। मगर यहां तो रोशनी है। डॉक्टर लियोन, आप दोनों इस तरफ आइए। ये गांव वाले कहां गए? शायद समंदर के किनारे गए होंगे। यहां तो मौत की बू है। चूचो, उन लोगों ने आखिर उस तीर में क्या लगाया होगा? कमबख्त, मकड़ी के जहर लगाया होगा और क्या? किस किस्म की मकड़ी का? उन्होंने जनानी मकड़ी से जहर निकाला होगा, क्योंकि उसमें इतना पावर है कि पल भर में प्राणी मर जाता है। यहां तक कि इसके जहर से दूसरी मकड़ियां भी मर जाती हैं। तो मैं कहां था?
इसे देखिए डॉक्टर, इस नमूने का तो पेट नहीं है, ये अपने खुराक को हजम कैसे करता होगा समझ में नहीं आ रहा। और इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये तो गड्ढी की तरह है। ये मेरे लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। साइंस कहता है कि जिस प्राणी का बाहरी हिस्सा स्केलेटन है उसके अंदर दूसरा स्केलेटन तो हो ही नहीं सकता। कुदरत का कैसा चमत्कार है, इस तरह का कुछ कहीं किसी रिकॉर्ड में भी नहीं है। सुजैन, उसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकती? जी डॉक्टर। क्या इस मरीज से आप परेशान हैं डॉक्टर? मैं तुमसे परेशान हूं मिस मर्सी, तुम्हारे ताने और अहंकार से तंग आ गया हूं। जैसे तुम देख सकती हो यहाँ कोई नहीं है, इसलिए हमारा मिशन खत्म हो गया। तो अच्छा होगा कि तुम अपने हवाई जहाज के पास जाओ, उसकी मरम्मत करो ताकि हम सब यहां से जा सके। आपसे बाद में मिलूंगा मासी। हे मासी, रुको। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो सिर्फ जंगल में। टीजी मासी। ओके, क्या खोजने जा रही हो? मैं जानता हूं यारी दोस्ती रिलेशनशिप या प्यार मोहब्बत तो तुम खोजोगी नहीं, इसलिए यहीं पर रहना प्लीज, यहीं पर। सुनो, सॉरी मैंने प्लेन में बुरा बर्ताव किया। देखो, ये मुझे उस आदिवासी से मिला। हाँ, ये उन सभी के पास है, ये किसी पैराशूट का कपड़ा है। हाँ, ये मेरे भाई के पैराशूट का है। तुम्हारे भाई का? ओके, ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइमन कुछ करो ना।
मर्सी क्या हुआ? जंगल जंगल में कुछ है। मैंने कहा था ना अकेले कहीं मत जाना। वो जो भी था बहुत बड़ा था। राय, कैंप में सोई। कैंप में ही रहो। सब लोग आग के पास ही रहना। मर्सी तुम भी। सब लोग ठीक है ना? हाँ। मर्सी तुम? मर्सी? मेरा भाई जॉली नेवी में पायलट था। नेवी के जिस प्लेन में वो टेस्ट फ्लाइंग कर रहा था वो 10 महीने पहले गुम हो गया। दो महीने के बाद नेवी ने तलाशी बंद कर दी लेकिन मैंने नहीं। हकीकत में क्या हुआ इसका नेवी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ कह रहे थे कि पायलट की गलती से क्रैश होकर गिर गया होगा वगैरह वगैरह। वो बहुत अच्छा पायलट था, बहुत अच्छा भाई भी। पीटा, पीटा। My God। नकामे कुचा। ये क्या है? नकामे कुचा। साइज में इतना बड़ा इसलिए है कि हो सकता है अलग अलग नस्लों का क्रॉस ब्रीड हो। इतना बड़ा स्पाइडर? हाँ, बायोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड भी। इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि देखते ही देखते यह दुनिया इंसानों से खाली हो जाएगी। ये कैसा मुमकिन है?
खूंखार जानवरों के आकार में सैकड़ों मकड़ियां आने लगेंगी तो मनुष्य राशि पूरी तरह मिट जाएगी। डॉक्टर लियान, हम लौटते समय इसे भी साथ ले चलेंगे। ऐसे बोल रहे हो जैसे हम में से कोई वापस लौटेगा। हमने आपको इसलिए बुक किया कि आप हमें जंगल में लाएं और नमूने के साथ हमें सुरक्षित वापस ले जाएं। मेरा एक आदमी मर चुका है और एक मरने वाला है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सुबह होते ही हम लोग निकल चलेंगे, वो भी तब तक अगर कोई जिंदा रहा तो। आई एम सॉरी सर, मैं सुबह नहीं चलूंगा। सब लोग सुनो, मैं कल बेर को पास वाले पहाड़ों के ऊपर भेज रहा हूँ। वहाँ सिग्नल में कोई रुकावट नहीं तो मदद के लिए रेडियो मैसेज दे देगा, हम बाकी के लोग बीच की तरफ रवाना हो जाएंगे। डॉक्टर प्लीज, तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकते क्या प्री? हमें बाहर से मदद मिलने तक या प्लेन के चलने तक वहां चुपचाप रहेंगे। वैलेंटाइन मैं यही रहने वाली हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती मर्सी। मेरे भाई के बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। चाहो तो बाद में यहाँ आ सकती हो। नहीं, तुम यहाँ हमारी पायलट बनकर आई हो मर्सी, अपना फर्ज निभाओ। प्लेन के पास कल शाम तक दोबारा मुलाकात करेंगे। यस सर। बेर, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए। मर्सी, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में मदद करूंगा। तुमने सही कहा, वो यही होना चाहिए। पहले इन लोगों को मुझे यहां से ले जाने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। ये कैबरी का बच्चा फिर गायब हो गया। कम वक्त नहीं है, कैपरी कहां चला गया? आने दो, उसे ठीक करता हूं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। अरे तुम भी अपनी भाषा में गाओ यार, गाओ मजा। बेर की फिक्र मत करो, वो हालात को बदलने वालों में से है। हम चलते रहेंगे, लेट्स गो।
सॉरी यार। हाँ यही है, इकोसिस्टम की मौत या परिवर्तन ये भी कहा जा सकता है। ये खतरनाक स्पाइडर यहीं पैदा होते हैं, पलते हैं और यहीं पर मर जाते हैं। वो इसलिए कि इस द्वीप समूह का तापमान और यहाँ के वातावरण की नमी इनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अनुकूल है। बहुत बुरी तरह की बुआ रही है, जैसे कि सड़ी हुई लाशें। हाँ, पर कहां से? कहां से क्या, चारों तरफ से। मर्सी, क्या है? एक मिनट जरा यहां आना। ओह माय गॉड, तुम्हारा भाई। मुझे बहुत अफसोस है मर्सी। ये किसका काम होगा? ओ सिस्टर कोचा, स्पाइडर उस सिस्टा। फ्रेम बनाने वाली लार, अल्टा रखने के लिए एक अलग किस्म की लार, कोया लार, और अपारण दिखे छे। इसने मेरे स्पाइनल कॉलम के जरिए नसों को मिटाने वाला जहर मुझ में इंजेक्ट किया है, इसलिए मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। बीच बीच में नाक में खुजली सी लगती है और कुछ नहीं। ये सब कैसे हो गया? ओके, मैं ये जाला काटता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं विनती करता हूँ प्लीज। ये जाल लोहे से भी ज्यादा मजबूत है और वैसे भी इस जाल के धागे मेरे अंदर तक पहुंच गए हैं और इसके अंडे मेरे अंदर पल रहे हैं। किसके अंडे? ये है क्या? मुझे मालूम नहीं, मकड़ी जैसा है ये नस्ल बहुत बड़ी है, कितने हैं मैं नहीं जानता। यानी सभी मकड़ियां उसी नस्ल की हैं कैप्री? हाँ, इसकी लार में जो रसायन है उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रुकावटें पैदा होती हैं।
इतनी बड़ी और खतरनाक मकड़ियां दुनिया में मौजूद है, पर अभी तक किसी ने इसके बारे में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मुझे पूरा यकीन नहीं है, स्पेस आया हो एलियन है जिसने इस इलाके को रिप्रोडक्शन के लिए चुना है। एलियन ओसिस्का? क्या काज? तुम क्या कह रहे हो? ओसिस्का गच्चो का, आखिर वो क्या कहना चाहता है? यही कहीं आसपास है। प्लीज बोलो, प्लीज मुझे मार दो। नो, सुजैन मेरा बैग निकालो। आप ऐसा नहीं कर सकते, इनके अंदर मकड़ी का जहर है, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। मिस मर्सी कैपले नहीं बचेगा। आप इन्हें कोई दवा नहीं दे सकते? इसे बचाने के लिए नहीं, इसकी मुक्ति के लिए दे सकता हूं। ये सही कह रहे हैं। तुम्हें और दर्द नहीं सहना पड़ेगा कैपरी। तुमने अपनी किताब में लिखा था ना कि मकड़ियां प्यार की काबिल होती हैं। हाँ, प्लीज मर्सी तुम इन सैंपल्स को अपने साथ ले जाना। इन मकड़ियों को मेरा नाम देने के लिए बोलो। हेनरी कैपरी, मैं जरूर बोलूंगी। प्लीज मेरी बात मानो, चलो यहां से, चलो यहां से, मेरे साथ चलो यहां से, चलो। मुझे छोड़ दो। उस सोच का गच्चो का, उस सोच का देखा, भागो भागो यहां से, उस सोच का। कैसी जगह है? वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया होगा।
ओके, सभी दरवाजे और खिड़कियां चेक करो। पीछे की तरफ एक कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है और एक छोटा सा कैबिन भी है। वो आदिवासी कहाँ है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। वो इतनी सारी गोलियां मारने के बाद भी नहीं मरा। अब गोली भी ज्यादा नहीं बची है। मेरे पास 40-45 राउंड ही बचे हैं। तुम्हारी गन में? बस उतने ही। मेरे पास कुछ ज्यादा बचे हैं। नहीं है लेकिन जहर के असर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। मैं ठीक हूँ। चुपचाप बैठे रहो। मैं इन खिड़कियों और दरवाजे को बंद कर देती हूँ। सुसी, M16 चला सकती हो? बहुत अच्छी तरह चला सकती हूँ मर्सिडीज़। गुड। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है, बुखार भी है। पूछने के लिए शुक्रिया। कोई खास बात है? पता नहीं। ये सुनो, आमतौर पर मकड़ियां दवाओं और टॉक्सिनों से दूर रहती हैं। शायद मेडिकल किट से कुछ फायदा हो। और तुम उस दवा को लेकर उस मकड़ी के पास जाना चाहती हो? नहीं जानती। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना।
क्या करें? नहीं जानते, लेकिन यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। क्यों ना पीछे वाले कमरे को खोल दे। ठीक हो? हाँ। कमाल की हो तुम, तो टार्जन की नानी हो। जंगल मुझे मंजूर है, छोटे कमरे और बड़ी मकड़ी मुझे पसंद नहीं है। क्या मैं अभी तक मारा नहीं? नहीं, लेकिन जल्दी ही मरोगे अगर यहां से नहीं निकले तो। कोई आवाज नहीं आ रही, मर्सी लगता है वो चला गया, किसको पता। वो यहाँ नहीं है। नहीं, थोड़ी देर और देखते हैं सुसी। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। दरवाजा मत खोलो, मुझे देखने दो। मत मेरी बात मानो सुसी, कुछ अभी नहीं होगा। नहीं, अभी बाहर मत जाओ। डरो मत यार, दरवाजा मत खोलो सुसी, मुझे देखने दो। मानो नहीं सुसी, मेरी बात जाने दो। मर्सी, नहीं सुसी, थोड़े सुरंग है, जल्दी खोलो। हाँ रुको, लेफ्ट तो भी खोदो। उस तरह तरफ चलो। आ जा संभल के। मैं भी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। Mercy.
मेरी प्यारी बहन मर्सी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? चोली, चोली। रुक क्यों गई मर्सी? अपने भाई को गले नहीं लगाओगी? क्या हुआ तुम्हें भी? रास्ते में ये आदिवासी लड़का मिला, इसी ने बताया कि तुम यहाँ आई हो। रेडियो से किसी को कांटेक्ट कर पाए? कुछ नहीं हुआ, सभी जगह रुकावट है। उन्हें तेज बुखार है। बाकी सब कहाँ है? सभी को उसने मार डाला जिसने मेरे भाई को मारा था। उसे मारना है बियर, हर हाल में मारना है। उसी मकसद के लिए हम यहां आए हैं। तुम यहीं बैठो, आगे मैं देख लूंगी। अपनी हिफाजत के लिए रख लो। रहने दो मर्सी। रख लो। मैं इसको लेके क्या करूंगा? फिक्र मत करिए, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। सुनो, फिर कभी तुम्हें पायलट की जरूरत पड़े तो मुझे मत बुलाना। हम यहीं आएंगे। ओके बे। तुम दोनों पर आने वाली मौत को मैं अपने सर ले लूंगा। ये वादा रहा। चलो चलते। हाँ। अरे बाप रे, वो देखो, वही अंडकोश है। अभी ये लावा है। लावा? हाँ, बच्चे बनकर जब ये बाहर निकलते हैं तब मुलायम रहते हैं। गॉड, ये बाहर आने वाले हैं। देखो वहां कितने अंडे हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ। हे रुको, कहाँ जा रही हो? ऊपर, मुझे उसके नजदीक जाना पड़ेगा। तुम नीचे से प्रोटेक्शन देना।
देखो वो यही है, मैं इसे काट के नीचे गिराने वाली हूँ। जैसे ही मैं कहूंगी इस पर गोली बरसाना। टॉबे मेरी मदद करना। ये कर नहीं रहा है। Yeah!
मुझे मकड़ियों से नफरत है। जहन्नुम से निकलते हैं। उठो। Thank you.